हेलो भाई, स्वागत है मेरे अगले वीडियो में। तो आज हम मतलब है एक स्पाइडरमैन और एक रेतीला दानव होता है उसके अंदर फाइटिंग होगी। तो आज इस गेम को खेलेंगे स्पाइडरमैन 2। तो चलिए अपने पीसी के अंदर अपना गेम चला लेता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गेम को शुरू करता हूँ, अभी स्टार्ट हो गया वीडियो। ये हमारा स्पाइडरमैन उतर गया है, नीचे की साइड जा रहा है। ये देखो वहां पे वो रेतीला दानव, वो देखो बन रहा है। बहुत भयानक रेतीला दानव है गाइस, बहुत शक्तिशाली है, बहुत मतलब है इसको किल करने का मिलेगा ये। तो हम दो दोस्त हैं एक साथ में, हम दोनों कोशिश करेंगे इसको मारने की। स्पाइडरमैन के अंदर ताकत तो वैसे बहुत है, तो लगता है कि मतलब कैसे भी कैसे करके हम दोनों साथी मिलके इसको मार ही देंगे, किल कर देंगे, पक्की बात ये। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर, तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गेम प्ले। ये स्पाइडरमैन की सीरीज हम चालू कर रहे हैं अभी। हम दो दोस्त हैं एक साथ इस गेम के अंदर है। ये हमने मतलब फाइटिंग स्टार्ट कर दी अभी। हमारा स्पाइडरमैन जा रहा है अपनी स्पीड के अंदर। ये ट्राई तो बहुत कर रहा है स्पाइडरमैन को मारने की, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। ये हमने मतलब पहली मतलब थोड़ा डैमेज हो गया। हमारे को हर बार कोशिश करते रहना है, मतलब गिरना कभी नहीं है। अभी मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं दोबारा खड़ा हो गया। ये देखो ये आ गया हमारा दूसरा दोस्त स्पाइडरमैन। इसके पास मेरे से ज़्यादा पावर है, मतलब मेरे पास थोड़ी कम पावर है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इसके लेवल बहुत ज़्यादा अप गए हैं। ये देखो छोटे छोटे रेतीले दानव आ गए हैं, मिनी मॉन्स्टर्स है ये। तो एक बार मतलब उसके पास सुपर पावर थी, इसलिए उसने मतलब सबको एक साथ ही मार दिया। लेकिन हमारे पास ऐसी सुपर पावर नहीं है, हमारे को तो वैसे ही अपने हिसाब से किल करना पड़ता है। अपने आप को फाइट मतलब फाइट करके इनको मतलब मारना पड़ेगा। बहुत सारे रेतीले दानव हैं गाइस, ये देखो। गाइस बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, इनको मारने मारने बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो अगर आपके पास बीपीसी है तो एक बार मतलब जरूर ट्राई करें इस गेम को, स्पाइडरमैन वर्सेस मॉन्स्टर। इस बड़े वाले को भी मारना है हमारे को। ये तो मर ही नहीं रहे गाइस, मतलब एक को मारते दो और आ जाते हैं, एक को मारते दो और आ जाते हैं, हर बार ऐसे चल रहा है। देखते हैं इसमें कितने का टारगेट है। ये ऊपर चल रहा है हमारा टारगेट 6-7 है। अभी हमारे को मेन टारगेट को जाना है, मेन हमारा बड़े वाले मॉन्स्टर को मारना है, मतलब बड़े वाले रेतीले दानों को मारना है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है। उसकी वजह से मतलब ये छोटे छोटे रेतीले दानों बन रहे हैं। इसको मारने के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, एकदम मतलब क्लीन हो जाएंगे और हमारे को इस वर्ल्ड को मतलब सेव करना है। हमारे को मतलब जैसे जैसे गेम खेलेंगे वैसे वैसे आगे टारगेट मिलते जाएंगे। ये देखो अपने आप पैरों पे कुड़ा लड़ी मार ली मैंने। ये देखो अपने उसके पास चलेंगे, बड़े वाले रेतीले दानों के पास। उनको मारने से कोई फायदा नहीं है, वो बड़े वाले को मारेंगे तभी फायदा है। ये हमारे दोनों के टीम वर्क से ही मरेगा वो, तो बड़े वाला तो देखते हैं गाइस। ये मैंने तो स्टार्ट कर दिया गाइस, अभी उसके साथ हमला करना, लेकिन वो पता नहीं दोस्त कहाँ पे है मेरा। ये हमला कर रहा है मेरी तरफ बहुत ज़्यादा। ये पहला कि ये गाइस मैंने इसलिए इस पर मतलब ऑफ्रेक मार के लिए। ये गाइस उसके पास ज़्यादा शक्ति है मेरे से, मतलब वो
एनमैन की तरह, मतलब जैसे झटके लगा देता है, झटके के बाद ये मतलब मर जाएगा, लेकिन वो झटका मेरे को भी लग गया, लेकिन वो मेरे को लगता है बचा लेगा। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है गाइस। ये दोनों बहुत शक्तिशाली है, जिसको कोई नहीं मार सकता। स्पाइडरमैन मतलब दोनों साथ होंगे एक साथ, तभी ये मर पाएगा, वरना तो जिसके अंदर मतलब इन दोनों ने अपनी पावर को इकट्ठा कर लिया है। अभी हम हमला करते हैं, ये लेट्स। तो गाइस हमने तो मतलब उस रेतीले दानव को मार दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए और ऐसे मतलब गेम प्ले और गेमिंग चैलेंज लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।